تأثير كبير. गुड आफ्टरनून बच्चों, हाँ बच्चों, कल वाला टेस्ट कैसा हुआ?
कौन सा ज्यादा मुश्किल था? ओके छह घंटे दिया गया, फर्स्ट टाइम दिया था आपने 6 घंटे एग्जाम। सेकंड में नींद आ रही थी। ओके चलो कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे स्टैमिना बन जाता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ मतलब 6 घंटे काफी एनर्जी चाहिए, इतना आसान नहीं होता 6 घंटे टेस्ट देना। गुड़साहिल कैसे करें है? मतलब समझा नहीं मैं। चलो वो करेंगे डिस्कस, कोई बात नहीं फिर बताऊंगा मैं। मतलब मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या करना है। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट। ए पार्ट एनी डाउट बच्चों? हाँ बच्चों ए पार्ट नो डाउट। बी पार्ट
ये बच्चों 11th में वो दिया होना चाहिए ना, बल्क मॉड्यूलस। ये आई थिंक ऊपर किसी क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ बच्चों सी पार्ट। तो सी का फर्स्ट जो है बच्चों, देखो वेट वो कितना सस्टेन कर सकती है वायर, दैट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। तो उसका इससे तो कोई लिंक ही नहीं है कि आपने वायर को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया। बी का 9th, एक मिनट बच्चों मैं करके दिखा दूं कैसे होगा। देखो स्ट्रेस क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया। राइट इज इक्वल टू जो शेयर मॉडुलस है इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो गया, 0.1 mm। अपॉन 8/100 ऐसे होगा। तो ये एक तो 8/100 कट ही गया, फोर्टीन की पावर आ रही है ना।
अच्छा, उन्होंने बिना कन्वर्ट किए निकाला हुआ आंसर सुनाओ। 10th का आंसर ठीक है बच्चों? ठीक टेंथ का बच्चों क्या है बताओ मुझे आंसर, ठीक है गलत है? ठीक है बच्चों, हाँ ये तो देख के लग रहा है कि टर्म्स कट रही होंगी। सी पार्ट बच्चों, सी पार्ट डन। अच्छा बच्चों एक ये ए का 6th इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? ये अभी हम लिख भी लेंगे थ्योरी में।
अच्छा फिफ्थ का क्या आंसर दिया हुआ है? शेयरिंग दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है? नहीं, इसका लॉन्गिट्यूडनल आएगा बच्चों। एक मिनट, लेट मी थिंक, एक सेकंड। मुझे एक मिनट, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जस्ट रिमाइंड मी अबाउट दिस। मतलब एक्चुअली होते तो दोनों ही हैं, मैं बस ये एक बार देखना चाह रहा हूँ डोमिनेंट कौन सा होता है। अच्छा आगे बताओ एक ये बच्चों, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, मतलब याद रखना कि टेम्परेचर के साथ यंग मॉडल्स जो है वो कम हो जाते हैं। हाँ, इसका रीजन मैं क्या बता रहा था आपको कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे ना, तो उनमें जो फोर्सेस हैं कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली। नहीं, यंग्स मॉडुलस का कोई सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता टेम्परेचर से, मतलब जो होता भी होगा मतलब नॉट इन आर स्कोप। और कोई बचो? ये 12th क्वेश्चन फिर सेम आ गया। अच्छा ये बच्चों, इलास्टिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है? इलास्टिसिटी हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जैसे ये लिखा ना, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, मतलब किसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है। हाँ, लेंथ से कोई चक्कर नहीं, कोई भी लेंथ हो।
तो 13th क्वेश्चन में जो बी पार्ट है, तो हाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो शेप चेंज करता है राइट, वो कोई इलोंगेशन नहीं प्रोड्यूस करता ना। तो ये ठीक है बी। नहीं स्ट्रिंग के केस में तो हम टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई ही नहीं कर पाते, स्ट्रिंग को तो हम खींचते हैं ना, वो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। टेंजेंशियल के लिए तो कुछ मोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा और बचाओ, एक है 28th क्वेश्चन में, यस वो दिया होना चाहिए कि कॉपर का बल्क मॉडुलस। स्ट्रेंथ इज अ पैरामीटर ऑफ स्ट्रेस। जब हम कहते हैं कि किस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेसिकली हम वो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, सी पार्ट। हाँ तो ये बच्चों इलास्टिक फटीग क्या होता है कि अगर एक इलास्टिक मटेरियल भी हो ठीक है, अगर हम उसको बार बार मतलब डिफॉर्म रिफॉर्म करी जाए बार बार थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, तो भी वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज करना शुरू कर देता है, तो इसको हम कहते हैं एज इलास्टिक फटीग। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, डक्टिलिटी कैसे पता चलती है? डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसको आप वायर में बना सकते हो है ना, तो मतलब जिसको आप ज्यादा खींच सकते हो, मतलब जो ज्यादा स्ट्रेन ले सकते हैं, स्ट्रेस जितना मर्जी लगे बट पॉइंट इज कि वो ज्यादा स्ट्रेन ले पाए। ठीक है तो क्या आ गया, ए आ गया, मतलब ए वाला ग्राफ। मतलब ये कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ ही याद रखना है आपको, जैसे आपको मॉड्यूल में बच्चों कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं ना, डक्टाइल ब्रिटल इलास्टोमर, वो कोई ऐसे याद नहीं रखने आपको, हमें तो बस लॉजिकली बताना है कि किस केस में क्या होगा। आगे बच्चों
फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्लोप से निकल आएगा यंग्स मॉडुलस. डन. सी फाइव का आंसर ठीक है बच्चों. ओके. थ्री है बच्चों, अभी बाद में करते हैं. तो बच्चों कुछ एक दो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं थ्योरी वाले. सॉलिड से बच्चों तीनों टाइप्स के स्ट्रेस हो सकते हैं. राइट. लिक्विड्स हैं बच्चों दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. एक होता है आइडियल लिक्विड, जो आइडियल लिक्विड होता है वो क्या है अभी हमें आगे समझ आएगा. आइडियल लिक्विड सिर्फ बल्क ले सकता है, और जो रियल लिक्विड होता है वो बल्क एज वेल एज शियर ले सकता है. ठीक है. मतलब वैसे तो डेफिनेशन ही ये होती है लिक्विड, आइडियल लिक्विड की. जैसे गैसेस में होता है ना रियल गैसेस आइडियल गैसेस, ऐसे ही आइडियल लिक्विड का मतलब होता है जो सिर्फ बल्क स्ट्रेस ले सकता हो. और जो गैसेस होती हैं वो सिर्फ बल्क ले सकती हैं. जो स्ट्रिंग होता है बच्चों वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ले सकता है, और नहीं कोई ले सकता.
ठीक है, एक ये लिख लेते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉडुलस डिक्रीजेस. लिक्विड्स में क्या होता है अभी हम समझेंगे. तो व्हाट वी डू इज हम एक बच्चों वाई, जैसे हम स्टैंडर्ड करते हैं, हमने एक वाई डेप्थ पे एक छोटा सा पीस लिया जिसकी हम देख सकते हैं कि लेंथ है डी वाई, राइट. तो इस पे टेंशन टी लग रही होगी, इसकी लेंथ हो गई डी वाई. तो ये टेंशन हमें निकालनी आती है ना, ये क्या हो गई टेंशन. एम बाय एल जी एल माइनस वाई, करेक्ट. तो अब इसके कारण बच्चों डीवाई वाले पार्ट में इलोंगेशन कितनी आ जाएगी. ठीक है, मतलब एक तरीके से ये ऐसे लिखने में थोड़ा सा अजीब है, बट इट इज सॉर्ट ऑफ डेल्टा डी वाई. ये कितना बन गया, बच्चों स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अगर हम लिखते हैं तो. ऐसे बन जाएगा बच्चों, एक अपॉन ए आएगा. यस,
अच्छा हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया, एल नहीं आएगा है ना, वो तो डी वाई आएगा, क्योंकि हम डी वाई की इलॉन्गेशन लिख रहे हैं ना, तो उसमें स्ट्रेन कैसे लिखोगे, डेल्टा डी वाई अपॉन डी वाई। तो अब टोटल इलॉन्गेशन कैसे आएगी, अगर हम इन सारी इलॉन्गेशंस का सम कर दें, सम का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। तो ये बन गया एम जी एल बाय टू ए बाय। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ बच्चों, कैसे आया आंसर। ऐसे ही बच्चों आप एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी किसी ने निकाली, क्या आंसर आया, हर छोटे से पार्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको इंटीग्रेट कर दो। निकाला बच्चों किसी ने एनर्जी की, नहीं चलो अभी करो, मुझे बताओ एनर्जी क्या आती है।
करण ठीक है, विदुषी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ एरिया ए है. इसमें बच्चों F1 ग्रेटर देन F2 मान लो. विदुषी अब ठीक है बात में. आदित्य तुम्हारे क्या आंसर आ रहे हैं? वरुण वाई पे डिपेंडेंट थोड़ी आएगा.
निष्ठा एक टर्म मिसिंग है कोई आपके आंसर में, बाकी तो ठीक है। हर्ष कौशिक आपका गलत है। नीरते जैन आपका गलत है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन अगर आप देखो इसमें और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम ही तो है। तो इसमें आएगा F1 - F12/2 है भाई। इस केस में यस डेफिनेटली जो रॉड है वो एक्सेलरेट भी कर रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप तो बिल्कुल वैसे ही करोगे कि एक्स लेंथ लेके इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अलग अलग पार्ट्स पे, अलग अलग स्ट्रेस होगा।
मतलब यहाँ पे हमें ये तो पता ही है कि हर पार्ट की एक्सेलरेशन F1 - F2 / m होगी, तो आप कोई भी x लेके, तो ठीक है बच्चों, समझ आया? एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो तो ये क्वेश्चन उठा था कि क्या इस क्वेश्चन में मतलब क्या इस केस में एक्सेलरेशन भी होगी, तो यस एक्सेलरेशन होगी। बट जो इलोंगेशन है वो तो है ही है। तो बच्चों एक बात समझो, इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में कि अगर कोई मासलेस बॉडी होती है, ठीक है, तो मासलेस बॉडी में तो हर जगह टेंशन सेम होती है, बट अगर बॉडी का मास होता है तो हमें पता है कि अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग टेंशन होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि मासलेस स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एवरीवेयर, बट जैसे ही हम कोई रोप विद मास लेते हैं तो हम कहते थे कि उसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेंशन होगी। तो वही बात यहां हो रही है, ठीक है, कि यहां पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेंशन है, इसलिए उनकी इलोंगेशन अलग अलग है।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो बच्चों आज इतना ही कर रहे हैं. आई एम लीविंग यू अर्ली. अभी एक्चुअली हम ये सॉलिड्स खत्म हो गया, अब लिक्विड्स अगर अभी शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना? थ्री ए भी की हुई है ना आपने? अच्छा वो नहीं की, चलो कोई बात नहीं. अच्छा मैंने कहा ही नहीं था. ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप थ्री ए कर लेना. ठीक है, थ्री ए के ए बी सी पार्ट्स. अभी के लिए इतना ही आज, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टेक अ सेगमेंट एट एनी लेंथ एक्स, उससे समझ आएगा. चलो ओके बच्चों, बाय.